गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स दोस्तों आज मैं आपके सामने ब्रेन स्टॉमिंग सीरीज के एक और इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि मैंने लास्ट वीक बताया था कि हम ब्रेन स्टॉमिंग सीरीज में एवरी संडे एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके एक्सेल के लॉजिक को और डेवलप करने के लिए और ये सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चनस ही नहीं है अगर आप अपने ऑफिस में भी इसे इंप्लीमेंट करते हो तो बहुत आप अच्छे तरीके से रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ब्रेन सीरीज को दो पार्ट में कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट में रहेगा इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सेकेंड पार्ट में उसी से रिलेटेड आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगा जो आप बेसिकली घर पे उसे करेंगे और विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स मैं उस असाइनमेंट का जो सॉल्यूशन है उसको डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा और आप आप उसे चेक कर सकते हो और अपने आंसर्स के साथ इवेल्यूएट कर सकते हो और देख सकते हैं कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है चलिए लेट स्टार्ट विथ वन मोर इंटरव्यू क्वेश्चन सो फ्रेंड्स दिस इज द फाइल इन दिस फाइल वी आर हैविंग द कॉल्स डेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी हैव कॉल आई डी कस्टमर नेम जिन्होंने कॉल किया था और कब कॉल हमारे पास आया था वेन वी रिसीव द कॉल ओके नाउ बेस्ड अपॉन दिस डेटा निकालना क्या है हमें हमें निकालना है डे वाइज टोटल कॉल्स मतलब मंडे को कितने कॉल्स आए थे ट्यूसडे को कितने Thursday, Friday, Saturday, Sunday, so so ना? अब देखते हैं Excel, जब हम में काम करते हैं सो वी डील विद लॉट्स ऑफ डेटा और उसमें से कुछ कॉमन डेटा जो होता है जो होता है आपके डेट एंड टाइम्स रिलेटेड सो आज हम देखेंगे एक और सीनारियो जिसमें हम डेट एंड टाइम के बेसिस पर रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं लेट्स सी सो सबसे पहले मुझे क्या करना है मुझे एक फंक्शन को समझना है विच इज़ टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट फंक्शन का पर्पज uh, क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी भी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम टेक्स्ट फंक्शन को यूज करते हैं और उसका जो आउटपुट होता है विच इज एज ए टेक्स्ट लेट्स अब एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरे पास ये डेट है और मुझे इसका डे चाहिए होगा डे मतलब संडे मंडे तो किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो आई विल बी यूजिंग इक्वल्स टू टेक्स्ट आप देख रहे हो टेक्स्ट का अगर मैं यहां पर आ, यह देखूंगा डेफिनेशन तो इट कन्वर्ट्स वैल्यू टू तो टेक्स्ट इन स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट बिल्कुल सो टेक्स्ट इट्स आस्किंग फॉर द वैल्यू वैल्यू का मतलब हो गया डेटा किस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस डेटा नाउ इट्स आस्किंग फॉर फॉर्मैट टेक्स्ट किस फॉर्मैट में कन्वर्ट करना है सो so, मैं लेता हूं फोर टाइम्स डी ये केस सेंसिटिव नहीं होता आप स्मॉल या कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं तो आई एम यूजिंग कैपिटल ब्रैकेट क्लोज सो so, ये कन्वर्ट कर देगा थर्सडे सो दिस डे इज ए थर्सडे सो मैंने यहां पर चार बार यूज किया है अगर मैं यहां पर तीन करता हूं सो इट वुड बी सोइंग इन द दिएटेड फॉर्म जैसे थर्सडे का होगा टी एच यू मंडे का होगा एमओ एन सो बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट मुझे उसके अकॉर्डिंग इसको चेक करना है सो विच इज फोर टाइम्स डी इन दिस एग्जाम्पल लाइक दिस थर्सडे अगर मैं इसे ड्रैक करूंगा इट विल सो द रिस्पेक्टिव डेटा आप देख रहे हो दिस इज फोर्थ जनवरी विच इज फ्राइडे ठीक है ना सो so, इसी तरह से मैं कोई भी डेटा का एग्जाम्पल ले सकता हूं कोई भी डेटा को कन्वर्ट कर सकता हूं ठीक है ना सो लेट्स सी कि हम टेक्स्ट फंक्शन को कैसे यूज करेंगे तो मैंने टेक्स्ट फंक्शन को कैसे यूज किया इक्वल्स टू टेक्स्ट विल स्टार्ट द ब्रैकेट कोई भी वैल्यूज ले, ले लेता हूं कोई भी वैल्यूज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस वन नाउ डी 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 ओके सो दिस इज द बेस्ट फंक्शन विच इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम्पल और इसके अलावा हम कुछ और फंक्शन हो सकता है यूज करें बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन दिस केस ठीक है ना सो लेट सी कैसे करते हैं सो so, अभी हमने क्या देखा था वी हैव डन फॉर द सिंगल सेल बट अगर आप देखोगे यहां पर सो आर लिस्ट ऑफ सीरीज आपके पास डेट्स हैं दिस इज अराउंड रिकॉर्ड्स मतलब एक सौ दस रिकॉर्ड है ना सो लेट सी कि किस तरह से इसको कर सकते हैं सो आई विल बी यूजिंग द सेम सिंटेक्स जो हमने यहां पर यूज किया था सो इक्वल्स टू टेक्स्ट नाइट्स आस्किंग फॉर द वैल्यू इस केस में मैं क्या करूंगा आई विल बी सिलेक्टिंग द एंटायर डेटा इंटायर डेटा में सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल बी यूजिंग टू फिक्स द डेटा ये फिक्स कर लिया इंटायर डेटा इसीलिए क्योंकि मुझे पूरे बल्क में निकालना है फॉर द मंडे सिर्फ एक डेट का नहीं निकालना यहां पर जितने भी मंडे उनको निकालना है ना फोमैट टेक्स्ट इज फोर टाइम्स डी दिस इज नॉट ए केस सेंसिटिव अगेन ब्रैकेट क्लोज अब ये पता है फ्रेंड्स क्या करेगा अगर मैं इसका बेसिकली uh, फोमैट देखूं सो इट विल

अब जो मेरा डे आ रहा था अब वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू फॉल्स में बिकॉज मैं कंपेयर कर रहा हूं कि दो दिस और नॉट एक बार देखते हैं इसको फिर से इवेल्यूएट कर रहा हूं एफ नाइन सो देखा आपने फॉल्स 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 समथिंग लाइक दिस ठीक है ना लेट्स प्रेस कंट्रोल जेड अगेन ओके अब मुझे क्या करना है ट्रू फॉल्स जो यहां पर ट्रू फॉल्स को आ रहे हैं ना उसमें से मुझे ट्रू को काउंट करना है हाउ मेनी ट्रू आर देयर मंडे के साथ अगर मुझे कंपेरिजन करना है तो जहां जहां भी ट्रूथ है उसका रिजल्ट जो मैं अगर कैलकुलेट कर लेता हूं दैट इज द फाइनल रिजल्ट फॉर मंडे सो लेट सी सो मैं क्या करूंगा टू डू दिस करता हूं और ये मेरा टेस्ट हो गया सो so इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं या तो ट्रू आ रहे हैं या तो फॉल्स आ रहे हैं मैं क्या करूंगा अगर यह ट्रू है देन लेट्स कन्वर्ट इट टू वन तो ट्रू को वन में कन्वर्ट कर देगा और फॉल्स को जीरो में कर देगा ठीक है ना नाउ अब अगर मैं इसको इवेल्यूएट करता हूं लेट्स इवेल्यूएट दिस वन एफ नाइन अब आप देख रहे हो ये रिजल्ट मेरा ट्रू फॉल्स के जगह जीरो वन में आ रहा है बिकॉज आई हैव दिस ट्रू फॉल्स टू विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन अब मैं क्या करूंगा मैं इसका टोटल निकाल लूंगा अगर मैं इसका सम कर देता हूं देन द रिजल्ट इज द कैलकुलेशन फॉर द मंडे की मंडे पे कितने कॉल्स आए थे लेट्स सी कंट्रोल जेड नाउ आई विल बी यूजिंग सम सो मैं सम यूज कर लूंगा सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज तो जो भी मेरा जीरो वन में रिजल्ट आ रहा था आई विल गेटिंग द दिन टू टोटल आ जाएगा तो जा, जितने भी वन है उनका टोटल आ जाएगा और वन किस केस में आएगा जहां पर ट्रू था और ट्रू किस केस में आएगा जहां पर मंडे बिकॉज वी हैव चेक दिस विथ मंडे जो ई फोर में है दिस वन सो आई जस्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट इंटर बिकॉज ये एक एरे फॉर्मूला है और एरे फॉर्मूला को अगर आपको कन्वर्ट करना है देन वी नीड टू यूज कंट्रोल सिफ्ट एंटर एंटर नहीं करना है कंट्रोल सिफ्ट एंटर सो आईल बी प्रेसिंग कंट्रोल सिफ्ट एंटर लाइक दिस स्विट्स गिविंग बी वन फिफ्टी फोर विच इज द रिजल्ट फॉर मंडे अब मैं ड्रैक कर देता हूँ इसे सो लेट्स ड्रैक सो आई एम गेटिंग द एंटायर रिजल्ट अगर मैं इनका कैलकुलेशन देखूँ सो इट्स सोइंग ट्रिपल वन जीरो एक हजार एक सौ दस मतलब जितने भी टोटल रिकॉर्ड्स था उनको हमने स्प्लिट कर दिया विन टू डिफरेंट डेज सो आई होप फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आपको समझ में आया और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप अभी कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं भी करते बिकॉज अभी कैलकुलेशन इंजन एक्सेल का धीरे धीरे चेंज हो रहा है और ये डायनेमिक एरेज में जा रहा है सो इफ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर ऑल्सो सो एंटर के केस में भी इट विल बी सोइंग द सेम रिजल्ट बिकॉज अभी कैलकुलेशन इंजन चेंज हो रहा है ठीक है ना पहले जैसे था वैसे नहीं रहा धीरे धीरे एडवांस हो रहा है बट हो सकता है कि आपके सिस्टम पे ना चले बिकॉज आप हो सकता है वर्जन पुराना हो या XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है सो आई रिकमेंड मैं रिकमेंड करूंगा टू गो कंट्रोल एंटर बिकॉज ये आपका काम करेगा ही करेगा ठीक है ना सो फ्रेंड्स दिस वॉज द फर्स्ट अप्रोच एक अप्रोच के साथ हमने किया था मैं आपको एक और डायनेमिक अप्रोच दिखा रहा हूं टू गेट द सेम रिजल्ट सेम रिजल्ट के लिए मैं एक और चीज दिखा रहा हूं आपको लेट्स कॉपी दिस वन और मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं ठीक है ना और इसका विथ भी सेम कर देता हूं लेट्स से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसे भी ठीक है ना नाउ अब देखिए क्या करना है मैं आपको और एक डायनेमिक चीज दिखाता हूं सो आई विल बी यूजिंग इक्वल्स टू टेक्स्ट टेक्स्ट तो हम यूज करेंगे ही करेंगे टेक्स्ट दिस वन कॉमा फोर टाइम्स डी राइट चलिए सो अब मैं क्या करूंगा मैंने इफ का यूज किया था यहां पर इफ क्यों किया था क्योंकि मुझे इक्वल्स टू दिस वन इस ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करना था मुझे वन जीरो में इसलिए मैंने यूज किया था अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है अगर आपको ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट करना है आपके बेसिकली वन जीरो में तो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं लेट्स राइट सम ट्रू फॉल्स हेयर ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ठीक है ना अब मुझे क्या करना है इसको मुझे वन जीरो में कन्वर्ट करना है सो so, मैं क्या कर सकता हूं देखिए इक्वल्स टू डबल माइनस डबल माइनस क्यों किया बिकॉज अगर सिंगल माइनस करेंगे तो कोई भी चीज नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है डबल माइनस का मतलब हो गया फिर से प्लस में सो so मैं इसे सिलेक्ट करूंगा एंड आई एल बी यूजिंग दिस वन अब देखिए क्या करेगा इट्स कन्वर्टेड टू वन जीरो फोर्स करता है सो डबल माइनस का रोल है कि ये फोर्सफुली ट्रू को कन्वर्ट कर रहा है वन में और जीरो को कन्वर्ट कर रहा है सॉरी फॉल्स को कन्वर्ट कर रहा है जीरो में सो so अगर मैं सिंगल माइनस देता हूं तो देखिए क्या होगा सिंगल माइनस में ये माइनस वन आएगा जो मुझे नहीं चाहिए जीरो के केस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज वो जीरो से इंटू हो रहा है बट इन केस ऑफ वन वो माइनस वन आ जाएगा दैट्स वी आर यूजिंग डबल माइनस लाइक दिस ठीक है सो so फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में मैंने ट्रू फॉल्स को कन्वर्ट किया था वन जीरो में और अगर इस ट्रिक को यूज करें तो फिर इफ की जरूरत नहीं पड़ेगी लेट्स वट आई एल डू आई जस्ट यूज डबल माइनस और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा सो so ये क्या करेगा ये ट्रू फॉल्स को वन जीरो में कन्वर्ट कर देगा एंड वट आई एल बी यूजिंग मैं यूज करूंगा सम एंटर इधर ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल सेफ्ट एंटर सो आईल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट विदाउट यूजिंग एनी इफ और एक आपको मैजिक दिखाता हूं लेट्स कॉपी दिस वन एक और मैं अप्रोच दिखाता हूं आपको नाउ अब अब ने यहां पर नया क्या किया हुआ है माइनस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज अब अभी हमने सेकेंड जो हम, हमने किया था अप्रोच वी हैव यूज सम इसके साथ और सम करके आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना पड़ा था बट मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सम यूज नहीं भी करते तो यू कैन यूज सम प्रोडक्ट अब सम प्रोडक्ट अपने आप में काफी एडवांस फंक्शन है यह क्या करता है इसमें आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें इसमें इनबिल्ट एर की कैपेबिलिटीज है आई जस्ट प्रेस एंटर सो so, मैंने जैसे इंटर प्रेस किया इट्स वर्किंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म सब एक जैसा काम कर रहा है देख रहे हैं सो वी हैव ए थ्री अप्रोच फॉर द सेम सॉल्यूशन सेम चीज को लाने के लिए वी हैव यूज थ्री अप्रोच अगर मैं तीनों में से सबसे पावरफुल की बात कर रहा हूं सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल सम प्रोडक्ट आप देख रहे हो इसमें बहुत इजी वे में हमने कर दिया है माइनस माइनस लगा के बट इसको आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स एक चीज आप ध्यान रखना कि जो भी फॉर्मूला अगर आप आपने उसको सिंपल वे में लिखा है बट उसके रिजल्ट अंदर में बहुत आपके क्रिटिकल वे में कैलकुलेशंस होता है तो सम प्रोडक्ट अपने आप में काफ़ी एडवांस फॉर्मूला है सो यू कैन यूज़ दिस अप्रोच बाकी अगर आप ये भी कर लेते हो तो दिस इज फाइन इट्स नॉट एन इशू ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं ये वाले फर्स्ट अप्रोच को जो कॉमन होते हैं कुछ लोग जिनको डबल माइनस के बारे में पता है वो यूज करते हैं बट कुछ एकदम फाइव टू टेन लोग सिर्फ ये यूज़ कर पाते बिकॉज उनको इसका कंसेप्ट पता होता है और बाकी लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं पता होता है सो so, मैंने आपको तीनों अप्रोच बताया नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा समझ में आया और कौन सा आपको यूज करना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों अप्रोच में से कौन सा अप्रोच आपको सबसे बेस्ट लगा ठीक है ना सो so, फ्रेंड्स ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने समझा कि किस तरह से डेट्स को हम बेसिकली कैलकुलेटेड वे में यूज कर सकते हैं विथ थ्री अप्रोचेज अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल विच इज द असाइनमेंट पार्ट तो मैं आपको एक असाइनमेंट दिखाता हूं रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑनली सो फ्रेंड्स दिस इज द असाइनमेंट इसमें आपको क्या करना है डेटा सब कुछ सेम है अगर आप देखोगे तो एवरीथिंग इज सेम बट यहां पर आपको मंथ्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है कि जनवरी में टोटल कॉल्स कितने आए थे फेबर में टोटल कॉल्स कितने आए थे इसी तरह से सो ऑन सो उन तीनों अप्रोचेज में से आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं सो फ्रेंड्स यू कैन डाउनलोड ऑल दिस फाइल्स फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो विद इन ट्वेंटी फोर आवर आई विल जस्ट प्रोवाइडिंग विद द सोल्यूशन सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फिर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन सी कि आप कहां पर हो अभी सो फ्रेंड्स आई होप यू इंजॉयड दिस इंटरव्यू क्वेश्चन और मैं आशा करता हूँ कि इसको आप प्रैक्टिस करेंगे अपने रिपोर्ट्स में इंप्लीमेंट करेंगे और जो लोग जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं और अगर आप इसे यूज कर लोगे तो आप इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन को आप ग्रैप कर सकते हो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विथ ऑल ऑफ़ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे